प्राइम टीवी पर श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा, जिसमें आज हम ब्रेस्ट कैंसर पे बात करने वाले हैं। ब्रेस्ट कैंसर पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट और ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर फरा। तो आइए सीधे बात करते हैं डॉक्टर फरा से। मैम, आपका हमारे हेल्थ मंत्रा शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच श्वेता फॉर इन्वाइटिंग मी टू द शो। मैम, हम लोग हर बार हेल्थ मंत्रा में एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, जिससे लोगों को थोड़ी सुविधा हो जाती है। लोग जिन बीमारियों के बारे में नहीं जानते हैं उसके बारे में जानकारी हो जाती है। ऐसे ही आज हम ब्रेस्ट कैंसर पे बात करने वाले हैं। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। ब्रेस्ट कैंसर जो है श्वेता, ये एक प्रकार का कैंसर है जो स्तन में शुरू होता है। ये कैसे होता है कि जब कोशिकाएं मतलब सेल जो छाती के अंदर होते हैं, वो अनियमित रूप से काम करने लगते हैं। अब ये किसी म्यूटेशन से भी हो सकता है, बहुत कारण होते हैं इसके। जब वो अनियंत्रित हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, ट्यूमर का आकार ले लेते हैं। जो आम तरीके से अगर देखा जाए तो औरतें कहती हैं हमें गांठ लगती है, वो एक्चुअली यही कोशिकाएँ बढ़ने से होता है। जी अच्छा डॉक्टर, अगर हम इनके कारणों की बात करें तो कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से ये क्रिएट हो जाते हैं? देखो, उसका कोई एक स्पष्ट कारण नहीं है, इसके कई कारण हैं जिससे इसकी होने की संभावना अधिक हो जाती है। सबसे पहली है बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र के साथ कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। दूसरी चीज़ है जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री। जैसे किसी महिला की माँ, बहन या मौसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको 5% चांसेस अधिक है होने की। दूसरा, हार्मोनल थेरेपीज। जैसे बहुत लंबे समय तक अगर कोई हार्मोनल थेरेपी ले रहा है या कोई गर्भ निरोधक गोली ले रहा है तो उसकी वजह से ये ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं, जिससे हार्मोनल लेवल्स के बढ़ने से ब्रेस्ट कैंसर का स्टिमुलेशन होता है और वो हो सकता है, जो कि चांसेस ऑल्दो कम है लेकिन लंबे समय तक लेने का है। दूसरा है, जैसे आजकल के लाइफस्टाइल में आप देख ही रहे हैं कि औरतें लेट शादी कर रही हैं, महिलाएं लेट कर रही हैं, तो जिसकी वजह से स्तनपान लेट हो रहा है या लेट उम्र में शादी होने की वजह से मोर देन 30s में जो स्तनपान होता है उससे कैंसर का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर अधिक वजन होना, मतलब ओबेसिटी। ओबेसिटी स्पेशली जो मीनोपॉज के समय पे लेडीज़ का वज़न एकदम से अधिक बढ़ता है, 5-10 किलो, वो कहते हैं ब्रेस्ट के रोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो उस समय मीनोपॉज के समय वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो ईस्ट्रोजन लेवल अगेन फिर से ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये कुछ कारण हैं। और दूसरा, लाइफस्टाइल चेंजेस इन जनरल, सिगरेट बहुत पीना, लेट जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं चेंज हो गई हैं, शराब का प्रयोग करना, ये सारी तो लाइफस्टाइल कॉमन चेंजेस है जिससे होना है। कुछ महिलाओं के डेंस ब्रेस्ट होते हैं, उसमें भी ये चीज़ अधिक होने की संभावना होती है। तो ये कुछ कारण हैं, कारण तो बहुत हैं लेकिन ये कुछ कारण हैं जो एसोसिएटेड होते हैं। जी अच्छा डॉक्टर, अगर हम बात करें कि लक्षण की, कि किस तरीके से हम उनको पहचान सकते हैं, क्योंकि आदमी जज नहीं कर पाता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण है, तो वो कौन से कॉमन एक लक्षण होते हैं, कौन से ऐसे टर्म्स हैं मतलब जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर का ही लक्षण है, तो जिससे हम डॉक्टर को टाइमली दिखा सकते हैं, उन लक्षण के बारे में आप हमें बताएं। लक्षण ब्रेस्ट कैंसर के बहुत स्पष्ट होते हैं। सबसे पहले ये है कि गांठ का अनुभव होना। मरीज को गांठ या गिठान अगर पता चल गई छाती में, और वो भी गांठ ऐसी जो बिना दर्द के हो या स्थिर हो, स्थिर मतलब हिल डुल नहीं रही हो। दूसरा कारण, दूसरा जो इसका सिम्टम हो सकता है वो है छाती के आकार में बदलाव। फिर निपल जो होता है उससे गंदा पानी का रिसाव होना, ब्लड का रिसाव होना, या निपल का अंदर की तरफ घुसना मतलब छाती के अंदर जाना, या छाती की खाल या चमड़ी जिसे कहते हैं उसमें बदलाव होना, उसके साथ साथ बगल में गांठे आना, ये सारे ऐसे लक्षण हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ संकेत करते हैं। अच्छा, आपने जो अभी लक्षण जैसे बताए हैं कि बगल में गांठे अगर आना और ऐसे, तो उसके तो कई और भी कारण होते हैं, कई और कारणों से भी ये सारी चीज़ें हो जाती है, उसमें हम ये चीज़ कैसे जज करें कि ये कैंसर के लिए ही, ये कैंसर की ही गांठ है? बिल्कुल, क्योंकि अधिकतर गांठें जो होती हैं ज़रूरी नहीं वो ब्रेस्ट कैंसर की हो। तो ये समझना कि ये गांठ से हमको परेशान होना है या ये गांठ सादी ज़रूरी है, तो जो नॉर्मल गांठें होती हैं या सादी गांठें होती हैं वो ज़्यादातर मुलायम होती हैं, वो हिलती डुलती रहती हैं और उसमें बाकी छाती में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे मैंने अभी लक्षण बताए, जो कैंसर की गांठ होती है वो बिना दर्द के होती है
और वो ज्यादातर स्थिर हो जाती है, हिलती डुलती नहीं है और सख्त हो जाती है, टाइट हो जाती है। दूसरा उसके साथ और भी एसोसिएटेड चीजें जैसे निपल से पानी आना, निपल का खिंचना, खाल बदलना, बगल में गांठे होना, निपल से रिसाव होना, ये सब कैंसर की गांठों में ज्यादा होता है, नॉर्मल गांठों में नहीं होता। जी अच्छा डॉक्टर, ये है कि जैसे कई बीमारियों के कई टाइप्स भी होते हैं, तो उन टाइप्स की अगर हम बात करें तो क्या इनमें ब्रेस्ट कैंसर में भी कुछ टाइप्स? कई टाइप्स होते हैं और जैसे सबसे कॉमन जो कैंसर महिलाओं में पाया जाता है 80% जो कॉमन है वो है इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा। ये यूजुअली जो दूध की नलियाँ होती हैं उसकी वॉल से शुरू होता है और उससे निकल के फिर ये चर्बी में आता है और गांठ बनाता है। फिर और तरह के कैंसर जैसे इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, ये प्रेगनेंसी से एसोसिएट कई बार पाया जाता है, बहुत तेज कैंसर होता है, बहुत तेज फैलने वाला होता है। फिर कुछ और तरह के कैंसर हैं जैसे म्यूसिनस कार्सिनोमा, लॉबुलर कार्सिनोमा, ट्यूबुलर कार्सिनोमा, फिर एक होता है पेजर्स डिजीज ऑफ द निपल, ये एक ब्रेस्ट कैंसर का ही मैनिफेस्टेशन है और इसमें क्या होता है कि निपल अल्सरेशन के साथ, गांठ के साथ नहीं प्रेजेंट करेगा, निपल में अल्सर हो जाएगा, ब्लीडिंग होने लगेगी, ब्लैकनेस आ जाएगी, लेकिन कॉज अंडरनीथ लाइंग अंडरलाइन ब्रेस्ट कैंसर ही होता है, ब्रेस्ट की गांठ होती है जो पता नहीं चलती, तो ऐसे भी वो प्रेजेंट कर सकता है। अगर इसको पता करना जब इनको पता करना होता है तो किस तरीके की जांचें इसमें की जाती हैं? कि आप जैसे क्योंकि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप कुछ जांचें उनको लिखती होंगी, तो जिससे आप जज करती, तो वो कौन सी जांचें होती हैं जिनसे पता किया जाता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर? सबसे कॉमन जो जांच हम लोग लिखते हैं वो है एक्सरे मैमोग्राफी। जी ये एक्सरे मैमोग्राफी के साथ साथ हम लोग कराते हैं अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट। ये दो सबसे कॉमन और जो सस्ती जांचें हैं जिससे हमें ज़्यादातर ट्यूमर की जानकारी हो जाती है वो ये है। दूसरा स्क्रीनिंग के लिए या डायग्नोसिस के लिए कुछ सेलेक्टिव केसेस में हम लोग एमआरआई ब्रेस्ट भी कराते हैं। फिर ये तो हो गई कुछ जांचें जो हमको टिश्यू के लिए भी चाहिए होती हैं, वो होती हैं जैसे एफएनएसी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी एंड टिश्यू बायोप्सी या ट्रू कट बायोप्सी। ये क्या होता है, ठोस गांठ से नीडल द्वारा हम उसके सेल्स लेते हैं और सेल्स की पैथोलॉजी द्वारा जाँच कराते हैं। तो जब पैथोलॉजिस्ट उसको देखता है कि इसमें किस तरह के सेल्स हैं वो हम लोग को बताता है, तो उसी हिसाब से हम लोग आगे ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। फिर एक जो अब बहुत इंपॉर्टेंट जांच अब नई आई है वो है पेट स्कैन। पेट स्कैन एक ऐसी जांच है जिससे ये ट्यूमर आपके शरीर में कहाँ कहाँ पहना, एक बार चलिए हमें डायग्नोसिस होगी कि ये खतरे का है, हमने बायोप्सी से, एफएनएसी से, अल्ट्रासाउंड से, मैमोग्राम से पता कर लिया, लेकिन इसकी क्या फैलने की क्षमता है, मतलब ये शरीर में और कहाँ कहाँ गया है, तो ये हम लोगों को पेट स्कैन द्वारा पता चलता है। तो ये कुछ बेसिक जाँचें हैं जो हम लोग हर पेशेंट में रूल आउट कराने के लिए या जहाँ ज़रूरी है वहाँ कराते हैं। अच्छा आपने सबसे पहले एक कॉमन एक टेस्ट बताया मैमोग्राफी टेस्ट। मैमोग्राफी टेस्ट क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है? मैमोग्राफी जो होता है एक एक्सरे होता है, लेकिन ये सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे होता है, जैसे आप लोग वैसे हम लोग सुनते हैं एक्सरे हड्डी के लिए कराया जा रहा है, पर ये वाला जो होता है एक सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे होता है जो ब्रेस्ट के लिए किया जाता है। इससे क्या है, ब्रेस्ट का ट्यूमर या कोई जो गांठ है वो बहुत शुरुआत में पता चल जाती है, बहुत छोटी अवस्था में पता चल जाती है। तो ये आजकल हम लोग रूटीन में पेशेंट्स को 40 साल के ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको रूटीन में बता रहे हैं कि मैमोग्राफी आपको 40 इयर्स के बाद करानी है, और ये नॉर्मल हेल्थ प्रोग्राम्स, एक नॉर्मल फिजिकल हेल्थ चेकअप का एक हिस्सा बन गई है। जी जी अच्छा मैम, कभी ऐसा होता है कि लोग जज नहीं कर पाते हैं कि किस टाइम पीरियड में, लोग ये सोचते हैं कि ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लोग ये जज नहीं कर पाते हैं कि किस टाइम पे हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो हमें डॉक्टर को दिखाने मतलब किस टाइम पीरियड में हमें डॉक्टर से कंसर्न जरूर कर लेना चाहिए? महिलाओं को जैसे गांठ गिठान, स्तन के आकार में बदलाव, वो सब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर कोई भी महिला को ऐसे लक्षण पता चल रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में हर चीज़ सरल है, हर चीज़ आसान है, ट्रीटमेंट आसान है, डायग्नोसिस अगर बन जाएगी तो इलाज आसान है, लेकिन अगर महिलाएं इसमें देरी करेंगी और लापरवाही करेंगी या खुद सेल्फ इलाज करेंगी या उसमें देर करेंगी तो वही चीज़ बढ़ जाती है। तो वो मैं ज़रूर कहूँगी कि बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए, और एक अच्छे जो ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशली ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट जो इस बीमारी को अच्छा जिनका अनुभव है उनको ज़रूर एक बार दिखाना चाहिए और उनसे पूरी जानकारी और जाँचें करवा के तभी आगे का सोचना चाहिए कि इसको क्या करना है। और दूसरा ये है 40 साल की महिलाएं जो हैं उनको रूटीन में ही वैसे भी हेल्थ चेकअप के लिए हम लोग कहते हैं कि ईयरली कम से कम एक बार अपना ब्रेस्ट एक क्लिनिशियन से ज़रूर चेक, जो स्पेशलिस्ट है ब्रेस्ट का, उससे चेक करा लें। अच्छा मैम, आपने ये अभी जैसे बताया कि डॉक्टर की डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, मैम कहीं ना कहीं वो भी देखने के लिए मिलता है कि लोग इस
पे मतलब इस पे डिस्कशन करने से लोग कतराते हैं, ऐसा भी चीज़ कि ऐसा भी चीज़ आपको देखने को मिला होगा कि लोग इसको इस पे डिस्कशन करने से कतराते हैं, लोगों डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते हैं, तो ये चीज़ भी आपने आपके पास आया होगा। बिल्कुल, ये समस्या तो ऐसी है कि लोग समझते हैं कि हमें हो ही नहीं सकती। ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि ब्रेस्ट कैंसर उन्हें लगता हमें नहीं हो सकता। जागरूकता और जानकारी का बहुत बहुत कमी है जी। कोई भी अगर उन्हें लक्षण लगता भी है, अगर उन्हें हल्की फुल्का लग भी रहा है, तो भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाते समय से, उन लक्षणों को इग्नोर करते हैं, खुद अपना घरेलू इलाज करते हैं और उसका कोई भी टेस्ट नहीं कराते। तो उससे क्या होता है, जो बीमारी शुरू में ठीक हो सकती है वो एक भयंकर रूप धारण कर लेती है। तो हम यही कहते हैं कि महिलाओं को कि जानकारी और जागरूकता से सावधानी बरतें और इस चीज़ को समझें कि अगर कोई छाती में प्रॉब्लम है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, छोटा नहीं समझना है, टेस्ट करा लीजिए एक बार, ये देख लीजिए कि ये क्या चीज़ है, क्या कोई समस्या कम भी हो सकती है, उसका आराम से इलाज हो सकता है, उसको बढ़ाने से क्या फ़ायदा है। जी अच्छा डॉक्टर, ये है कि अगर जैसे टाइमली अगर डॉक्टर को ना दिखाया जाए, जैसे इग्नोर करते हैं, अगर टाइमली ना दिखाया जाए, तो उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम और की मतलब क्या और चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं उन समय पे ना दिखाने पर? स्टेज अगर समय पे नहीं दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए वो गांठ छोटी है और उस समय बिल्कुल ठीक होने के टाइम है उसका, अगर वो उसको इग्नोर करेंगे, मान लीजिए स्टेज वन कैंसर है जो बिल्कुल ठीक हो सकता है, उसमें आपका 5 ईयर सर्वाइवल बहुत अच्छा है, अब आप उसको लेट कर रहे हैं, अब वो धीरे धीरे अंदर बढ़ रही है, क्योंकि ये तो अनियमित कोशिकाओं की बढ़ने की क्षमता होती है, रुकती तो है नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। अब जब धीरे धीरे बढ़ेगी तो ये खून की नलियों में घुस जाती है, जब खून की नलियों में घुस जाती है तो ये शरीर में फैलना शुरू कर देती है, फिर चली जाएगी ये लीवर में, ब्रेन में, जब तक मरीज हम लोगों के पास आते हैं बहुत समय व्यतीत करके कि अब हमें ये दिक्कत, तब तक एक बहुत कीमती समय जा चुका होता है जी, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि उसको जल्दी दिखाओ, जिसमें जल्दी इलाज हो और जल्दी पेशेंट ठीक हो। जी अच्छा डॉक्टर, क्या ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें पेन भी होता है? ज़्यादातर गांठें छाती के कैंसर की बिना दर्द के होती हैं, इसीलिए और सतर्कता की ज़रूरत है। 40 और 50 साल की औरतों को, आप तो कह रहे हैं कि यंग एज में भी, हर औरत को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो सिखाया जा रहा है कि अपने हाथ से खुद छाती को देखो, क्यों देखो, क्यों पता ही नहीं चलता है, छाती की गांठें आती हैं बिना दर्द के, पता ही नहीं चलती हैं एकदम से। लोग बताते हैं कि मैम हमको तो नहाते समय पता चली, बच्चे का हाथ लगा तब पता चली, हमें नहीं पता कितने दिन से है, क्यों, क्योंकि दर्द ही नहीं था तो पता कैसे चलेगी। तो ज़्यादातर बिना दर्द के आती हैं। जी डॉक्टर, इसमें कितने स्टेजेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? ब्रेस्ट कैंसर के वैसे 4 स्टेजेस होते हैं, लेकिन एक स्टेज जीरो भी होता है। स्टेज जीरो होता है जब कैंसर डक्ट के अंदर होता है, डक्ट के अंदर, और ये ऑलमोस्ट क्योरेबल होता है। जो अदर मेन स्टेजेस हैं वो है स्टेज 1 एंड स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 और 2 को हम लोग अर्ली ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। इसमें ज़्यादातर ट्यूमर का साइज लेस देन 5 सेंटीमीटर होता है और ये छाती के अन्य हिस्सों में फैलने की इसकी संभावना थोड़ी कम होती है और ट्रीटेबल भी होता है, प्रोग्नोसिस भी अच्छी होती है। फिर आता है स्टेज 3 कैंसर। स्टेज 3 कैंसर में ट्यूमर का साइज जो है मोर देन 5 सेंटीमीटर हो जाता है और ये स्तन के कई हिस्से में फैल भी जाता है, जैसे निप्पल को खींच लेगा, खाल को जकड़ देगा, चेस्ट की मसल्स को टाइट कर देगा या ये बगल में गांठें कर देगा, तो ये थोड़ा सा फिर दिक्कत की स्टेज में आ जाता है। और आखिरी स्टेज होती है स्टेज 4 कैंसर। स्टेज 4 कैंसर में वो होता है जब कैंसर की सेल जो है ब्लड द्वारा शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंच जाते हैं, जैसे लीवर में, ब्रेन में, किडनी में, या क्या कहते हैं पेट में, मतलब किसी भी हिस्से में वो जा सकते हैं, कॉमनली ज़्यादातर लिवर एंड लंग्स में जाते हैं, बोन्स में। तो फिर ये स्टेज 4 मतलब ये क्योर नहीं हो सकता है, ठीक है, और लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। डॉक्टर, अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो क्या रहता है इनका ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर के लिए? ट्रीटमेंट जो ब्रेस्ट कैंसर का है वो स्टेज पे डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे मरीज हमारे पास आया है। जैसे अगर पेशेंट हमारे पास अर्ली ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज पे आया है, स्टेज 1 और स्टेज 2 को, तो हम लोग ब्रेस्ट से सर्जरी करके गांठ को निकाल देते हैं और ब्रेस्ट को हम लोग बचा लेते हैं, इसको कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी। तो इसमें ब्रेस्ट बच जाता है, लेकिन वही चीज़ है अगर ब्रेस्ट पेशेंट लेट स्टेज में आता है, एडवांस स्टेजेस में आता है, तो हम ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी नहीं कर सकते, फिर मैस्टेक्टमी या पूरा छाती को निकालना पड़ता है।
हैं। इसके साथ साथ जो ज़रूरी और ट्रीटमेंट है वो है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड हार्मोनल थेरेपी। अब कौन सा ट्रीटमेंट पहले देना है ये डिपेंड करता है स्टेज पे। एडवांस स्टेज में यूजुअली कीमो रेडियो पहले दी जाती है, सर्जरी बाद में की जाती है। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी पहले की जाती है, उसके साथ साथ कीमो रेडियोथेरेपी हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, तो स्टेजेस पे डिपेंड करता है जी। अच्छा डॉक्टर, आप जो अभी कीमोथेरेपी की बात कर रहे हैं एंड रेडियोथेरेपी की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या है ये कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी? कीमोथेरेपी भी एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है, एक तरीका है इलाज का, जो ब्रेस्ट कैंसर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे क्या होता है कि जो दवाइयाँ हैं वो इंट्रावीनस दी जाती हैं, तो इंट्रावीनस जब वो नस से जाती हैं और ब्लड के अंदर जो कीटाणु या इसके कोशिकाएँ घूम रही होती हैं उसको ये मार देता है। तो दूर दूर जो अगर कोई कैंसर का सेल अगर है, तो अगर वो ब्लड के थ्रू ये दवा जा रही है तो उसको वो ख़त्म कर देती है और उसको कैंसर को आगे बढ़ने से रोकती है जी। तो डॉक्टर, इन ट्रीटमेंट से क्या हम ब्रेस्ट कैंसर को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं या कुछ टाइम पीरियड के लिए ही सिर्फ इसमें रोक लगती है और आगे फर्दर भी बढ़ने के चांसेस होते हैं? देखो, कैंसर वो ब्रेस्ट कैंसर वर्ड में श्वेता हम लोग क्योर की बात नहीं कर सकते हैं जी। हम लोग उसको कितना लाइफ स्पैन बचा सकते हैं या 5 ईयर या 10 ईयर सर्वाइवल में हम लोग उस टर्म्स में बात करते हैं कि लाइफ दे सकते हैं अच्छे ट्रीटमेंट से, क्योंकि क्योर की बात जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि 50% ब्रेस्ट कैंसर इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट वापस आने की क्षमता रखते हैं, मतलब उसे कहते हैं रिलैप्स हो सकता है। और रिलैप्स का मुख्य कारण ब्रेस्ट कैंसर में है कि वही ब्रेस्ट कैंसर की कोशिकाएं जो खून की द्वारा शरीर में गई हैं वही ये कारण होती हैं जो वापस आ सकती हैं इलाज के बाद भी। इलाज कारगर है रोकने में, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में वो वापस आती हैं, तो इसलिए क्योर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, सर्वाइवल जितनी अर्ली स्टेज में आएंगे उतना अधिक होगा जी, है ना, लेट में आएंगे कम होगा जी, तो ये चीज़ है। डॉक्टर, इनकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है जैसे ये सारी चीज़ें क्रिएट ना हो? इसकी रोकथाम के लिए जो सबसे ज़रूरी है कि भाई महिलाओं को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सीखना चाहिए। सबसे पहले जागरूकता की ज़रूरत ये है कि अपनी छाती को अपने हाथ से ही देखना टटोलना आना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी ना बिना दर्द के गांठें होती हैं, पता ही नहीं चलती हैं। 20 साल की उम्र के ऊपर हम लोग आजकल सभी लड़कियों को औरतों को कह रहे हैं कि एक बार महीने में अपने हाथ से अपनी छाती को टटोल के देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि कोई चीज़ अलग तो नहीं है। जब हर महीने देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ पिछले महीने ये चीज़ नहीं थी, ये कुछ नई लग रही है। तो वो चीज़ सबसे ज़रूरी है कि अपना छाती स्वयं एग्जामिन करना 20 ईयर ऑनवर्ड्स हर महिला के लिए आजकल ज़रूरी है और महीने में एक बार ज़रूर करना है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये 40 के बाद हम लोग कहते हैं औरतों को क्लिनिकल ब्रेस्ट की एक बार डॉक्टर से भी चेक करा लेना चाहिए ब्रेस्ट का, भाई डॉक्टर का अनुभव ज़्यादा होता है, हाथ से ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है कि क्या परेशानी है क्या नहीं। फिर है जांचें, जांचों में यह है कि एक्सरे मैमोग्राफी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक ऐसी जांच है जो कैंसर या ट्यूमर को बहुत छोटी अवस्था में पकड़ लेती है। तो ये हम लोग अगर हम इसके टाइम की बात करें कि महिलाओं को कब शुरू करने चाहिए, तो हम लोग 40 साल से रिकमेंड करते हैं कि 40 ईयर्स ऑनवर्ड्स ईयरली या 2 साल में एक बार महिलाओं को मैमोग्राफी करानी चाहिए। तो ये तो तरीके हैं जो एक स्क्रीनिंग है जिससे हम लोग कराते हैं, इसके साथ साथ हम लोग अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं चेक करने के लिए, महिलाओं को बताते हैं कराइए, लेकिन बेसिकली सबसे ज़रूरी एक्सरे मैमोग्राफी होती है जी। अच्छा डॉक्टर, ये जो हम आज ब्रेस्ट कैंसर पे बात करें तो क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ एक लेडीज़ की है, क्या ये प्रॉब्लम जेंट्स में नहीं होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। करीब अगर 100 ब्रेस्ट कैंसर को हम लोग देखें तो उसमें 100 में से एक ब्रेस्ट कैंसर मेल्स को भी होता है जी, ठीक है। इसका मतलब इंसिडेंस 1% है, कम है जी, ये कहीं नहीं है, ऐसा नहीं जी। और अगर हम इनके लक्षण की बात करते हैं तो सेम लक्षण जो आप फीमेल्स के लिए बता रही हैं वही मेल्स के लिए भी? बिल्कुल, लक्षण सेम होते हैं, जैसे उनमें भी दर्द रहित गांठ आएगी, उसमें भी निपल में बदलाव या अल्सरेशन होगा, उसमें भी निपल से गंदा पानी आ सकता है, बगल में गांठें हो सकती हैं, सब चीज़ उसमें भी हो सकती है। जागरूकता की कमी है, लोग समझते हैं मेल्स में नहीं हो सकता है, तो ज़्यादातर मेल्स में कभी कभी बड़ी एडवांस स्टेज में पता चलता है। और अगर हम इनके कारण की बात करते हैं तो इनमें कारण होने का क्या रीज़न है? कारण में अगर हम देखें तो सबसे जो फीमेल्स में कारण है मोस्टली वो है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है उसमें एक कहते हैं कि अगर जैसे मेल ब्रेस्ट
का रेडियोथेरेपी हुई हो, सिकाई हुई हो उस एरिया में कहीं किसी और वजह से, तो वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है कि रेडिएशन एक्सपोजर अगर पहले कभी हुआ हो। दूसरा फैमिली हिस्ट्री, वो जैसे फीमेल्स में थी वैसे ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे फीमेल्स में हम बता रहे थे सिगरेट का सेवन करना, शराब पीना और तंबाकू खाना, फास्ट फूड खाना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, वो सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और कुछ जेनेटिक डिजीजेज भी ऐसी हैं जो जिसमें मेल ब्रेस्ट कैंसर अधिक होता है। जी अच्छा डॉक्टर, ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवर्स हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर से सर्वाइव कर रहे हैं, जिनको ये वाली प्रॉब्लम, ये वाली बीमारी है, तो क्या उनकी जान का खतरा भी रहता है? बिल्कुल, अगर ये लेट स्टेज में आ रहे हैं, स्टेज 3 और स्टेज 4 में आ रहे हैं, और इनकी कोशिकाएं ऑलरेडी शरीर में फैल चुकी हैं, ये लिवर और अनेक अन्य ऑर्गन्स में जा चुकी हैं, तो जान का खतरा बिल्कुल है ना, क्योंकि वो फैल चुकी हैं। तो स्टेज 4 में तो हम लोग ब्रेन में फैला हुआ है, लिवर में है, तो उसमें सर्वाइवल बहुत कम होता है। आप कुछ भी इलाज कर लें, 6 महीना 1 साल से ज़्यादा जीवन नहीं होता है, और ज़्यादातर मरीज इस तरह के अपनी जान गंवा बैठते हैं। जी अच्छा डॉक्टर, ये है कि जो जब आप जिस टाइम ट्रीटमेंट चल रहा होता है पेशेंट का, उस टाइम पे पेशेंट को कुछ विशेष कुछ ध्यान देने वाली बातें होती हैं ऑपरेशन से पहले एंड ऑपरेशन के बाद में? ऑपरेशन से पहले हम लोग पेशेंट से कहते हैं वज़न कम रखो, शुगर कंट्रोल करो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, अगर कोई खून की कमी है तो भाई उसको पूरा करो, अच्छी प्रोटीन की डाइट लो, और ऑब्वियसली एक अच्छा टोटल वर्कअप करवा के ही हम लोग पेशेंट को का जो है हम लोग सर्जरी एडवाइस करते हैं, पूरी काउंसलिंग के साथ कि हम क्या, हमें क्या करना है, तभी हम लोग आगे चलते हैं। और डॉक्टर, अगर हम उनके डाइट प्लान की बात करते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट सर्वाइवर्स के लिए क्या कोई स्पेशल तरीके की कोई डाइट यूज़ की जाती है, जो आप कहते हैं कि मतलब इस टाइम पे आपको ये यूज़ करना, ये चीज़ ये डाइट में लेना चाहिए, और क्या चीज़ ऐसी हैं जिनको एकदम स्ट्रिक्टली मना होता है कि ये चीज़ आपको नहीं लेना है? देखो, डाइट की बात करें तो एक डाइट तो न्यूट्रिशन और वेल बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि भाई आप फल, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, हरी पत्तियों वाली चीज़ें ज़्यादा लें, फ्रूट्स लें, एटलीस्ट 2-3 वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स लें, सैलड्स लें, और फिर हम लोग ये अदरक लहसुन का प्रयोग करने को ज़्यादा कहते हैं। हल्दी एक बहुत अच्छी फाइटो केमिकल मानी जाती है जो डिजीज़ से लड़ती है, हल्दी का उपयोग ज़्यादा करने को कहते हैं। नट्स हैं, नट्स में स्पेशली अखरोट का एक बहुत अच्छा रोल है। फिर हम लोग रेड मीट थोड़ा अवॉइड करवाते हैं पेशेंट्स को, अगर नॉन वेजिटेरियंस हैं तो फिश ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो हेल्दी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे गेहूँ है, गेहूँ, जौ, बाजरा, ऐसे हेल्दी अन्न का उपयोग करें, दालें अच्छी लें, मतलब इससे क्या होता है ना, सारी चीज़ें एक वेल बैलेंस्ड डाइट रहेगी तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, विटामिन्स भी मिल रहा है, मिनरल्स भी मिल रहा है, फाइबर भी मिल रहा है, आपको प्रोटीन्स भी मिल रहा है, और हर सब्ज़ ग्रीन वेजिटेबल्स उन सब में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो एक रसायन होते हैं जो पौधों में जो नेचुरल क्षमता रखते हैं इन्फेक्शन फाइट करने की, इसलिए ग्रीन चीज़ों का बहुत ज़रूरी महत्व है। दूसरा ये है कैफीन है, या बैड लाइफस्टाइल में कहते हैं फास्ट फूड है, बाहर के फूडों में वो टेस्ट एनहेंसर है, जीनोमोटो क्या क्या डालते हैं नहीं पता, तो फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और पानी का, पानी प्लेंटी ऑफ वाटर लेना चाहिए, हेल्दी डाइट में तो यही सब है, हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा, आप बहुत टाइम से ये ब्रेस्ट कैंसर देख रही हैं, उसमें अगर हम एज ग्रुप की बात करते हैं तो ये किस एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करती है, बहुत किस एज ग्रुप के लोग इससे प्रभावित होते हैं? देखिए, कॉमन एज ग्रुप अगर हम बात करें तो 40-50 ईयर्स है, 50 ईयर्स के बाद थोड़ा सा और बढ़ जाता है इसका। लेकिन अब इंडिया में जो हम लोग लेटली हम लोग जो ट्रेंड देख रहे हैं, जो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर हो रहा है, लेट मैरिजेस और लेट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, स्मोकिंग, एक वेस्टर्नाइज्ड लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग अब इस बीमारी को अर्ली एज में देख रहे हैं। अर्ली एज मींस इवन 30s, चाइल्ड बियरिंग एज में अभी आ रही है। हमारा जो, मेरा जो एक यंगेस्ट ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है वो 19 ईयर्स की गर्ल थी। सो वी आर, इट्स नॉट दैट कि इट कैन अफेक्ट ओनली एल्डरलीज, ये मिसकंसेप्शन है, हम इट कैन अफेक्ट यंगर एज ग्रुप, इसीलिए आजकल 20 साल के ऊपर हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, इंसिडेंस कम होता है यंगर एज में, बट हम ये कहें नहीं होता है, हमें नहीं हो सकता है, ये सोच गलत है। जी अच्छा, मतलब ये यंग जो गर्ल्स हैं उनमें भी ये चीज़ें देखने आ रही हैं कि बिकॉज ऑफ जो भी उनकी डाइट है और जो भी वेस्टर्न कल्चर है उसकी वजह से अब हम लोग देख रहे हैं कि
थोड़ा सा इंसिडेंस बढ़ा है। पहले की स्टेजेस में ये हमेशा थोड़ी बड़ी एज में ही होता था, अब 50s, बट अभी ये एज ग्रुप यंगर एज की तरफ शिफ्ट कर रहा है जी, ये चीज हम लोग जो देख रहे हैं जी। अच्छा डॉक्टर, अगर हम इसके ट्रीटमेंट पे खर्च के एक बात करते हैं तो एक्सपेंस अमूमन कितना एक्सपेंस इसमें आ जाता है? देखो एग्जैक्ट एक्सपेंस बताना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ये वेरी करता है फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। प्राइवेट सेटअप में अलग है, गवर्नमेंट सेटअप में अलग है। अगर एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें जिसमें अच्छी जेनेरिक दवाइयाँ यूज़ करते हैं, बेस्ट चीज़ें यूज़ करते हैं, तो लगभग इसका ट्रीटमेंट 2 से 4 लाख के बीच में आता है टोटल थेरेपी की बात कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम भी हो सकता है कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेटअप में चीज़ें थोड़ी सब्सिडाइज्ड होती हैं, तो माइट बी कि लेस देन 1 लाख में आ रहा हो, तो ये वेरी करता है, बहुत एग्जैक्ट बताना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है जी। अच्छा डॉक्टर, अगर हम एक टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं जिनका ये ट्रीटमेंट चल रहा है उनको कितना टाइम पीरियड लगता है, कितने टाइम पीरियड में ये इसका ट्रीटमेंट हो जाता है और इसको मरीज सही होने में कितना एक टाइम लगता है? लगभग ट्रीटमेंट फुल्ली लेने में 6 to 9 months लगते हैं जी, बट वही है स्टेज पे डिपेंड करता है। लेट स्टेजेस में हम लोग ट्रीटमेंट तब तक चालू रखते हैं जब तक पेशेंट की लाइफ है, तो वो बहुत लंबा भी खिंच सकता है जी, और अर्ली स्टेजेस में एक ट्रीटमेंट जल्दी ख़त्म हो जाता है भाई 6 to 9 months में। तो अगेन वैरी करता है ड्यूरेशन ट्रीटमेंट स्टेज ऑफ डिजीज़ की के ऊपर जी। अच्छा डॉक्टर, हमेशा एक ये देखने का आता है जब भी कैंसर का ट्रीटमेंट होता है चाहे वो कोई भी कैंसर हो, तो ब्रेस्ट कैंसर में भी ऐसे देखने के लिए मिलता है जो पेशेंट होते हैं जो सर्वाइवर्स होते हैं उनके हेयर क्यों हटा दीजिए, मतलब उनका एक तरीके से पूरा मुंडन कर दिया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है? मुंडन एक्चुअली क्या है, ये जब हम लोग कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, कीमोथेरेपी का एक बहुत मेन साइड इफेक्ट होता है हेयर फॉल जी। ये कीमो की दवाई गर्म होती है ट्यूमर के ऊपर एक्ट करने की जगह बाकी बॉडी को भी तंग करती है, तो उसमें स्पेशली हेयर फॉलिकल्स को तंग करती है, तो उससे बाल गिर जाते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग जो पेशेंट को एडवाइस करते हैं बता देते हैं कि भाई ये दवा चलेगी बाल गिरेंगे, पर जब तुम्हारी कीमो ख़त्म हो जाएगी तो बाल तुम्हारे आ जाएंगे, लेकिन क्या होता है वो बड़ी अनियमित तरीके से गिरते हैं, थोड़े इधर ज़्यादा गिर रहे हैं कहीं कम गिर रहे हैं। तो जब कीमो ख़त्म हो जाती है और जब बाल वापस आने का समय होता है तो अगर आप मुंडन करा दें उसका कीमो के लास्ट में तो कम से कम वो ग्रोथ यूनिफॉर्म आती है जी। तो ये कॉन्सेप्ट है मुंडन का, अदरवाइज़ कुछ वो नहीं है, यूनिफॉर्म ग्रोथ आए जब कीमो का इफेक्ट ख़त्म हो गया। तो हम लोग मुंडन एडवाइस इसलिए करते हैं कि भाई शेव करवा लो जिसमें कि जो कहीं बाल हैं कहीं नहीं है तो हट जाएंगे, तो कम से कम एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे तुम्हारे आएंगे। आखिर में मैम बस एक मैसेज चाहूंगी कि आप हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक मैसेज दें। मैसेज में जो सबसे है ज़रूरी जागरूकता, अपने किसी छाती के लक्षण को इग्नोर ना करें, कोई भी चीज़ अगर आपको लग रही है बहुत सतर्कता बरतें, तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाएं, उसकी जांच करवाएं, उसको हल्के से ना लें, उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि हो सकता है वो सही हो जाने वाली स्टेज में शुरुआत में हो और अगर आप लेट करेंगी तो वो बढ़ जाएगी, जीवन को खतरा हो जाएगा। तो कोई भी छाती की चीज़ को आप प्लीज़ इग्नोर ना करें, तुरंत तुरंत दिखाएं, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच श्वेता फॉर इनवाइटिंग एंड आई होप इट कम्युनिकेट्स अ मैसेज टू आवर व्यूअर्स और दे बेनिफिट फ्रॉम इट। प्राइम टीवी के शो हेल्थ मंत्रा में आज हमने ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर फरा से बात की, जिन्होंने हमें ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी है कि किस तरीके से हम सावधानी बरत कर समय पर बीमारी का पता लगा कर डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा कर उसको सही कर सकते हैं। ऐसे ही और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए हेल्थ मंत्रा में। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।